बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, कोरोना से भारत में हर तरफ तबाही और अफरा तफरी के बाद अमरीकी साइंसदानों ने भारतीय हुकूमत को एमरजेंसी बेसिस पर मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का मशवरा दिया है। भारतीय हुकूमत और बिलखसूस मोदी की नाकिस पॉलिसीज का खमियाजा भारत के शहरी उठाने पर मजबूर हैं। कुंभ मेला और अब की बार भारत में होने वाले इलेक्शंस ने एक तरफ तो मोदी की कोरोना को लेकर संजीदगी और दूसरी तरफ भारतीय अवाम की लापरवाही के जज्बे को दुनिया के सामने संगीन बहरान की शक्ल में जाहिर किया है। हर गुजरते दिन के साथ भारत में कोरोना की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और अलार्मिंग बात 4 लाख से ज्यादा नए केसेस का हर 24 घंटों में सामने आना है। यूरोप, अमेरिका और बहुत से एशियन ममालिक की तरफ से भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि मोदी हुकूमत मुल्की सतह पर लॉकडाउन लगाने से कासिर है। भारत जो मुल्की सतह पर एस्ट्राजेनिका वैक्सीन बना रहा है, अपने शहरियों तक वैक्सीन पहुंचाने में नाकाम दिखाई देता है। डॉलर्स कमाने और भारत को कोरोना वैक्सीनेशन बिजनेस हब बनाने का ख्वाब देखने वाला मोदी शदीद बहरान के बाद भारतीय अवाम का सामना करने से कतराता दिखाई देता है। WHO और दीगर एक्सपर्ट्स वाजे कर चुके हैं कि अगर बरवक्त इकदामात ना उठाए गए तो भारत में कोरोना से अमवात 7 फिगर्स तक पहुँच सकती हैं। भारत में ऑक्सीजन की कमी, पेनाडोल जैसी आम टैबलेट का नापैद होना और हस्पताल में हेल्थ सिस्टम का मफलूज हो जाना खित्ते में अफरा तफरी और संगीन इंसानी बहरान का पेश खैमा है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।